हेलो गाइस, दिस इज़ बैंक निफ्टी टाइटेनियो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रेडिंग का। सो गाइस, लेट्स बिगिन। तो गाइस, जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। आपको ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है जहाँ से आपको फिक्स रिटर्न मिले एनुअली। वो रिटर्न हो सकता है 6 से लेकर 10% का, और उसी 6 से 10% को आपको रिस्क करना है ट्रेडिंग में एनुअली। मतलब अगर आपके पास 10 लाख कैपिटल है तो आपका फिक्स रिटर्न बनता है 6% के हिसाब से 60,000। तो बस आपको 60,000 की रिस्क लेनी है ट्रेडिंग में, और आपको 6% मिल सकता है FD से, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, किसी म्यूचुअल फंड से, या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से। आप SGB, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, ये सब अपने ब्रोकर के साथ प्लेज कर सकते हो। ब्रोकर आपको मार्जिन देगा, उसी मार्जिन से आपको ट्रेडिंग करना है, और बस 60,000 की रिस्क लेनी है। जो भी आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा उसको ही आपको रिस्क करना है। उसके ऊपर अगर आपको लॉस होने लगा है तो आपको उस साल के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी है। इससे आपके कैपिटल पे 1 रुपये का भी कभी भी नुकसान नहीं होगा, और आप मेंटली भी स्टेबल रहोगे, आपकी साइकोलॉजी भी ठीक रहेगी, और आपका कभी नुकसान नहीं होगा। तो गाइस, यही थी ट्रिक जो हर एक फंड मैनेजर जानता है, हर एक बड़ा ट्रेडर जानता है। उनके डाइवर्सिफिकेशन के और भी सोर्सेस होते हैं, जैसे रियल इस्टेट। तो गाइस, यही था सीक्रेट। इसको अप्लाई करने के लिए आपको ट्रेडिंग एज अ लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपका कोई और इनकम सोर्स होना चाहिए, आपके पास 1 लाख के ऊपर का कैपिटल होना चाहिए। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।